मूवी का स्टार्ट एक लड़के से होता है जो अपनी माँ के साथ सो रहा था। इस लड़के का नाम जैक है, इसकी माँ का नाम जो है। जैक बताता है, जब मैं पैदा होने वाला था मेरी माँ ज़ॉम्बी बन गई थी, फिर आसमान से एक लाइट आई, मैं पैदा हो गया। अब वो अपने घर में पड़ी चीजों को देखता है। इस रूम में पूरा घर ही था, मतलब की जरूरत की सारी चीजें इस रूम में पड़ी हुई थी। वहाँ एक विंडो भी थी जिससे लाइट अंदर आ रही थी। ये दोनों इस रूम में रहते थे। नेक्स्ट जैक की बर्थडे थी, इसकी माँ इसके लिए केक बनाती है। रात को जोए जैक को एक कबर्ड में सला देती है। फिर यहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम गोल्डी था। ये जोए के साथ टाइम स्पेंड किया करता था। वहीं जैक को एक चूहा नजर आता है, वो भी इसे पकड़ने लगता है। जोए ने इसे मार दिया था। वो इसे बताती है कि यहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही असली हैं, बाकी सारी चीजें यहाँ पर नकली हैं, बाहर एलियन है। ये दोनों एक स्पेस में रहते थे। जैक को बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था, ये सिर्फ टीवी देखा करता था। एक दिन गोल्डी फिर जोए के साथ था। जैक इन दोनों को एक साथ देख लेता है। जैक इसे पकड़ने लगता है, लेकिन इस बात पर गोल्डी इसे सजा देता है। दूसरी तरफ जोए जैक को बाहर की दुनिया के बारे में बताने लगी थी कि टीवी पर जो तुम देखते हो वो सब रियल है। यहाँ ये बात पता चलती है कि गोल्डी ने जोए को 7 साल से यहाँ पर कैद किया हुआ था और जैक गोल्डी का बेटा है। यहाँ का डोर पासवर्ड से खुलता था। इन दोनों ने 7 साल से बाहर की दुनिया को नहीं देखा। जोए यहाँ से जाने का प्लान बनाती है कि जैक बीमार है, इसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है, पर गोल्डी ऐसा नहीं करता। अब ये दूसरा प्लान बनाती है जिसमें वो जैक को एक कारपेट के अंदर फोल्ड करके बाहर ले गई थी और गोल्डी को लगता है कि जैक मर गया है। ऐसे वो तुम्हें दफनाने के लिए बाहर लेकर जाएगा और मुझे किसी से हेल्प मांगने का मौका मिल जाएगा। और ऐसा ही होता है। गोल्डी जैक की बॉडी को ट्रक में डालकर ले जा रहा था। बाहर की दुनिया अब इनके लिए बहुत नई थी। यह ट्रक से कूदने ही वाला था कि जैक गोल्डी को देख लेता है, लेकिन फिर भी यह ट्रक से कूद गया था। जैक भागकर एक आदमी के पास जाता है। इधर गोल्डी पुलिस के खौफ की वजह से इसे वहीं छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ लेडी पुलिस जैक से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। ये पुलिस को सारी स्टोरी बता देता है। नेक्स्ट जॉय को भी इस रूम से निकाल लिया गया था और गोल्डी को पुलिस पकड़ लेती है और इसे काफी सालों की सजा हो जाती है। फिर इन दोनों को हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। वहीं एक डॉक्टर जॉय से कहता है, तुम जैक को चाइल्ड हॉस्पिटल भेज दो ताकि वहाँ इसका अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके, लेकिन ये इसकी बात नहीं मानती। जॉय से मिलने इसके पेरेंट्स आते हैं। यहाँ इसे पता चलता है कि इसके पेरेंट्स एक साथ नहीं रहते। जैक बाहर की दुनिया देखकर हैरान था, इसे एक मास्क दिया गया था। अब इन दोनों का केस इंटरनेशनल लेवल पर जा चुका था। ये दोनों अब अपनी माँ के घर आ जाते हैं जहाँ पर जोए रहती थी। रात के खाने पर इसे फील होता है इसका फादर जैक के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता। फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। जोए खुद डिप्रेशन का शिकार होने लगी थी। ये अपनी पुरानी फोटो देखती है तो इसे फील होता है इसके बाकी फ्रेंड अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। इन सारी बातों का गुस्सा वो अपनी माँ की बातों पर निकाल देती है। जोए का एडवोकेट कहता है कि आपको किसी टीवी पर इंटरव्यू देना चाहिए जिससे आप फेमस हो जाएंगी और साथ में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बेहतर हो जाएगी। अब ये इंटरव्यू के लिए जाती है। इंटरव्यू में इससे जैक के रिलेटेड अजीब से क्वेश्चन किए जाते हैं जिस पर ये काफी अपसेट थी। ये इतनी अपसेट थी कि इसने सुसाइड कर लिया था और जैक ऐसा करते हुए इसे देख लेता है। फिर इसे हॉस्पिटल लाया जाता है। जैक जोए को खोना नहीं चाहता था। ये अपनी ग्रैंड मदर से कहता है कि मेरे बाल काट दो। जैक अब सब लोगों से नॉर्मल होने लगा था। इसने अपना एक फ्रेंड भी बना लिया था। जोए जैक से सॉरी करती है और इसके साथ मिशा रहने का वादा करती है। इधर जैक उस रूम से अपना कुछ सामान लेने आया था और वहाँ पर जो चीजें बच गई थी उन सबको गुड बाय बोलकर यहाँ से चला गया था। यूं मूवी एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारे चैनल को 2% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है जबकि 98% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। सो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत अहम है।